हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का एक बार फिर से बहुत ही मोस्ट वेलकम उषा मैथ्स पर। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि कम से कम सुपर टेट या शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए डेली हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज दूसरी क्लास है, दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्जाम के लिए अगर आप लगातार यहाँ पर बने रहेंगे तो नो डाउट आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है, क्योंकि अभी एग्जाम का कुछ हता पता नहीं कब होगा, फिर भी समय रहते सारी चीज़ें आप तैयारी कर लीजिए। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो भी टॉपिक्स में आपको लगता है कि ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन उन टॉपिक्स पे अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि सिलेबस इतना ही ब्रॉड है और जब भी आपके एग्जाम होगा बहुत ही कम समय रहता है, 2 महीने या 3 महीने, है ना, नोटिफिकेशन के बाद। तो लगभग 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में आपके डाउट, आपकी समस्याएँ रह ही जाती हैं। फिर लास्ट में एग्जाम में अगर 1-2 नंबर से पिछड़ जाते हैं तो फिर वो बहुत पेनफुल जर्नी होती है, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका 69,000 वैकेंसी में नहीं हो पाया सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर की वजह से। जब भी वो मिलते हैं तो बस यही कहते हैं, सर 1 नंबर और आ जाता तो आज हम भी प्राइमरी के मास्टर होते या टीचर होते हैं। तो जो मलाल रहता है वो ये कहते हैं, पता नहीं वो 1 नंबर कहाँ का रह गया, कि हाई स्कूल वाला 1 नंबर कम था, कि इंटर वाला 1 नंबर कम था, कि ग्रेजुएशन में 1 नंबर कम रह गया, या फिर 1-2 नंबर हमारे एग्जाम में कम रह गए। तो ऐसा ना सोचना पड़े, तो इसलिए बेहतर तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ें और कम से कम जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक जरूर शेयर करें, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। बाकी आइए देखिए आज हम लोगों ने क्या किया है कि समय बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैथ्स में क्या चैलेंजिंग था, मेरा प्लान यही था कि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँगा, लाइव बहुत इच्छा थी लाइव लाने की, लेकिन फिलहाल वो हो नहीं पा रहा लाइव क्लास, क्योंकि कभी नेटवर्क का इशू, कभी साफ नहीं दिखाई दे रहा, सारे संसाधन भी नहीं हैं। तो इस वजह से जितने भी समुचित संसाधनों में रहते हुए भी हम लोगों को, और यही मिडिल क्लास फैमिली की एक संघर्ष है कि समुचित संसाधनों में रहते हुए अपने आप को आगे की तरफ ले जाना, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है कि सारे क्वेश्चन जो भी आपके साथ डिस्कस करने हैं, 10 क्वेश्चन हैं ये अभी फिलहाल, 10 क्वेश्चंस जो भी डिस्कस हैं वो सारे पहले ही हमने नोट डाउन कर लिए हैं। अब सिर्फ उनका सोल्यूशन हमें देखना है, तो बहुत कम समय में हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन को देखने से पहले उसका सलूशन अपने आप से जरूर ट्राई कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका सलूशन देखें, क्या कह रहे हैं, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग। सबसे पहली चीज तो लिखा है कि न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या हो गया, छोटी से छोटी संख्या बताना है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग की तो बाद में बात करेंगे, अगर ये सब इतना हटा दिया जाए, सिर्फ क्या हटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग शब्द यहाँ से हटा दिया जाए, तो सवाल आपका कैसा होगा, वह न्यूनतम संख्या जो 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतया विभाज्य हो। न्यूनतम का मतलब हो गया छोटी से छोटी संख्या, और आप सबको पता है कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम निकाला है, ठीक है। और कई बार छोटी से छोटी संख्या वाले सवालों में एचसीएफ भी निकालते हैं, तो वो हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे एलसीएम निकालना है, कहाँ पे एचसीएफ निकालना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है बेसिक डेफिनेशन पे कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है और एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। एलसीएम की डिफिनेशन है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, ठीक, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो उसे हम एलसीएम या लासा कहते हैं। एचसीएफ की डिफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, मतलब दो बातें इंपॉर्टेंट है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। इसका मतलब अगर कहीं पे शब्दावली में से समझ में आता है तो से का मतलब एलसीएम निकाला जाएगा उस क्वेश्चन में, अगर कहीं पे को समझ में आता है तो को का मतलब एचसीएफ फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। अभी हमने पूर्ण वर्ग शब्द को छोड़ दिया है, सिर्फ आप वह संख्या पता करिए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है, तो इन सब का हम निकालेंगे एलसीएम। और एलसीएम का शॉर्टकट क्या है, जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे छोटी संख्या 2 और 3, है ना, 6 है, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3। अब हम देखेंगे कि 8 में क्या आ चुका है, 2 आ चुका है कि 3 आ चुका है, तो 8 के अंदर 2 आ चुका है, जो नहीं आएगा उसको लिखेंगे 3। 5 की बात करेंगे तो 5 में कुछ नहीं आएगा, ठीक।
चार की बात करेंगे तो चार हमारा आ चुका है, तीन की बात करेंगे तो तीन भी आ चुका है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 पंचे 120। इसका मतलब 120 वह संख्या है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतया विभाजित है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जो ये संख्या आई है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या करना होगा, हमने ये पता कर लिया कि 3, 4, 6, 8 का एलसीएम कितना था, 120 था, ठीक। अब हमें क्या पता करना है, पूर्ण वर्ग। आप ये बताइए, अगर 3, 4, 5, 6 और 8 से 120 विभाजित है तो इसके जितने भी गुणज होंगे, मतलब एलसीएम के जितने भी गुणज होंगे वो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतया विभाजित होंगे। गुणज की बात करेंगे तो 240 बार किया 36 360 है ना, ऐसे ही करके जितने भी गुणज होंगे वे सारे गुणज भी इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होंगे, ठीक। लेकिन हमें एक ऐसा नंबर पता करना था जो 120 का गुणज हो, 120 का क्या हो, गुणज हो, लेकिन वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग भी हो, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम ऑप्शन की मदद जरूर लेते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ, 1600, 1900, 2500, 2600, 1600, 1900, 2500, 2600, 1600, 1900, 2500 और 3600 इस सवाल के ऑप्शन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे 120 के ऐसे बहुत मल्टीपल्स हैं जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाजित हैं, हमें उन गुणज में से एक ऐसा गुणज पता करना है जो पूर्ण वर्ग भी हो, है ना, तो आसान हो जाएगा। अब देखिए 120 की बात करेंगे तो 1600 क्या 120 का गुणज है, नहीं है। 120 का गुणज क्या 4900 है, ये भी नहीं है। क्या 120 का गुणज 2500 है, ये भी नहीं है। लेकिन 120 का एक गुणज 12 3 36 जैसे था 360 है, एक जीरो लगाएंगे 3600, 3600 किसका है, 60 का वर्ग है और ये 120 का गुणज है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी आप समझ पाए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम 120 है तो एलसीएम के जितने गुणज होंगे, चाहे वो 240 हो, 360 हो, 480 हो, 600 हो, 720 हो, 840, ये सब 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतया विभाजित है। लेकिन हमें क्या पता करना था, हमें ये पता करना था कि एक ऐसा गुणज जो पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके लिए हमने ऑप्शन की मदद ली। 1600, 1900, 2500 और 3600 हमारे ऑप्शन थे। हमने देखा कि 120 का गुणज क्या 1600 है, तो 1600 120 का गुणज नहीं है। फिर 4900 में आया तो 4900 भी गुणज नहीं है, 2500 भी गुणज नहीं है, लेकिन 3600 120 का गुणज है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3600, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उसमें मेंसुरेशन है तो जरूर है, संभवता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और मोस्टली आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चंस को कर पाने में सफल होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बात है, यहाँ पे बेलन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बेलन की बात करें, अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन में सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन में सबसे पहली बात, बेलन का आयतन क्या होगा। अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। और तीसरी बात क्या होती है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ना, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिये संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि वक्र पृष्ठ कौन सा एरिया होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाले दोनों भाग, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये वाला भी एरिया और ये वाला भी एरिया कवर होगा। तो ये कैसा है, ये हमारा है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं और ये एच प्लस आर। तो ये बेसिक है बेलन से रिलेटेड, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखिये मैथ्स में फॉर्मूले रटने का नहीं होता। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ।
जैसे बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले कैसे याद रख पाएं, तो जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें घर पे, है ना, तो जो भी आपके फॉर्मूले उनको डेली आप 10 मिनट में लिख डालिए कि वृत्त का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, वृत्त की परिधि क्या होती, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता, सारे फॉर्मूले लिखते रहेंगे तभी आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। इसलिए जो भी प्रैक्टिस करें एटलीस्ट वो लिख कर ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याएं दे दी गई, मान लेते हैं पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात मान लेते हैं दो बेलन है तो पहले की H1 और दूसरे क्या हो जाएगी H2, तो इनके आयतन, अगर भाई आयतन की बात करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, πr²h, ठीक है। अगर हम आयतन की बात करेंगे तो πr²h, अगर दो है तो R1H1 और दोनों का अनुपात निकालना है तो πr², लेकिन ये दूसरा है तो दोनों जगह पे R2 और H2 यूज कर लेंगे। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2² और इनटू में H1/H2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो R1/R2 कितना है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 और इनटू में 5/3। ध्यान देंगे थोड़ा सा, R1² / R2² को हमने लिख लिया R1/R2² H1/H2 को अलग लिख लिया, ठीक है। तो R1/R2 की वैल्यू 2/3 है और इसका होल स्क्वायर है तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, H1 और H2 कितना 5/3, तो फाइनली इनके आयतनों का अनुपात 5 × 20/27, मतलब इनके इन दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 20/27। समझ गए, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी, ठीक है। अब हम लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, पूरी कोशिश यह रहेगी किसी भी दिन आपकी क्लास ना मिस हो, कम से कम एटलीस्ट जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो डेली आपके साथ शेयर किए जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ कंटेंट वीडियो भी शेयर करूंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। अभी फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम से, तो जो भी वीडियोज होंगे, जो भी जितना भी कंटेंट है नंबर सिस्टम का, एक बार फिर से आपके साथ वीडियो बाय वीडियो में शेयर करूंगा। बाकी यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, और ये वीडियो आपको रोज 9:30 रात में मिलेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहे हैं, किसी कार्य को 25 व्यक्ति 36 दिन में पूर्ण कर लेते हैं तो 15 व्यक्ति कितने दिन में इसी कार्य को पूर्ण। अरे भाई, तो बहुत आसान सवाल, 25 व्यक्ति है 36 दिन, है ना। MDH का फॉर्मूला होता है M1D1H1, अगर यहाँ पे घंटे भी होता M1D1, है ना, मतलब आदमी की संख्या, दिन की संख्या, और घंटे भी दिया है तो घंटे भी लिख लेते हैं और नीचे पूरा काम, ठीक। तो 25 व्यक्ति 36 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 25, 5 × 3 = 15, 3 से काटोगे 12 × 3 = 36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 5 = 60। इसका मतलब 15 व्यक्ति इसी काम को करने में कितना दिन लगाएंगे भैया, 60 दिन लगाएंगे। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक फॉर्मूला ये होता है M1D1 = M2D2, है ना। M1 का मतलब आदमियों की संख्या, D1 का मतलब दिनों की संख्या, लेकिन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है M1D1 MDH1, है ना। अगर घंटे भी लिखे होते, मान लो घंटे पूछ लिए M2D2H2, ठीक। और इस फॉर्मूले का एक और रूप है, अगर कह लेते कार्य की बात करें कि कितना कार्य करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं M1D1H1 / यहाँ पे पहला कार्य और ये M2D2H2 / ये लोग कितना कार्य करते हैं ना। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि 8 बुनकर 8 दिन में 8 टोकरी बनाते हैं, तो बताइए 16 बुनकर 16 दिन में कितनी टोकरी बनाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, क्या लिखा हुआ है, 3 की घात -7 और 3 की घात -10 छोटे ब्रैकेट में है और गुणा 3 की घात -5 पूरा बड़ा ब्रैकेट, नीचे लिखा है -2/3 की घात -2 के बड़ा ब्रैकेट की घात 2। अब देखिए अगर हम बोडमास की रूल की बात करें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है,
बोट मास की रूल की बात करेंगे तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब हो जाता ऑफ, डी का मतलब हो गया भाग डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, और ए का मतलब एडिशन का मतलब जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट में बात करें कि कितने तरह के ब्रैकेट्स हैं और क्या उनका क्रम है सॉल्व करने का, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद फिर आपको कर्ली ब्रैकेट, ठीक, फिर ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला रेखा कोष्ठक वर्णानुक्रम बार, तो ये इस बार को सबसे पहले, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले, अब देखिए वर्णानुक्रम बार तो है नहीं, रेखा कोष्ठक यहाँ पे है नहीं, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। अब देखिए अगर छोटे ब्रैकेट की बात करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 की घात -7 और बटे में 3 की घात -10, आधार समान है तो भाग में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, सॉरी भाई, ठीक है, और आधार समान हो तो गुणा में घाते क्या होती, जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 की घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की घात -7 + 10, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 3, ठीक, गुणा कितना है, 3 की घात -5, ये बड़ा ब्रैकेट है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो जोड़ लो भैया 3 की घात 3 - 5, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 की घात -2, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में कितना आ गया, 3 की घात -2। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ 2/3 की घात -2। अच्छा 2/3 की घात -2 लिखा है, अगर कहीं पे 2 लिखा है, इसको अगर 2 की घात -1 लिखा जिसे हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे 1/2 की 1/2 लिखा है, या फिर 1/2 की घात 2 लिखा, तो क्या इसे हम 2 की घात -2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसकी घात को हम प्लस करेंगे तो ये संख्या उलट जाएगी ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3/2 की घात 2। इस बात को समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लिखा हुआ है -2/3 की घात -2, तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया -3/2 की घात -2। ठीक है, और घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो फाइनली -3/2 की घात कितना हो जाएगा, 4, तो 3 की घात 4 का मतलब 81 और 2 की घात 4 का मतलब 16। अब देखिए ये भी माइनस में है, जिसको भी नीचे ले आओ तो कितना हो गया, 1/9, तो 9 * 9 = 81, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका, 9/16। ठीक है, तो 9/81, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए हम लोगों ने मिस्टेक क्या किया है, उस मिस्टेक को समझिए। अगर हम बात करें कि ऊपर वाले पोर्शन में हमारा कितना आया, 3 की घात -2, तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये आ गया 3 की घात -2। नीचे वाले पोर्शन में कितना आया है, अगर हम नीचे वाले पोर्शन की बात करें, नीचे वाले पोर्शन में आया है 81/16, कितना आया है, 81/16। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर भी कैलकुलेशन में आप चूकेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब ये 3 की घात -2 है, ठीक है, भाग का निशान गुणा में बदलता है तो संख्या पलट जाती है, तो 16/81। अगर ये घात माइनस में है तो अगर इसको नीचे ले आएंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे, इसे क्या लिखा, 3 की घात -2 लिखा, तो क्या इसे हम 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 1/9 हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा, 16/81, तो 16 * 16, 9 * 9 और 9/72, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, सही आंसर 16/729। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल आएगा तो बहुत ही केयरफुल रहना है, नहीं तो आप गलती जरूर करेंगे। ठीक है, तो उन गलतियों से ही बचने के लिए हम लोग अभी से रेगुलर प्रैक्टिस या रोजाना अभ्यास शुरू किए हैं, तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए ईमानदारी के साथ। देखिए पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए आपको धैर्य बना के ही पढ़ाई करना है, और आप ये भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन 2 वर्ष में ही हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन सरकार की नीतियों पर भी निर्भर है। हम मानते हैं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, बहुत अच्छे से मेहनत कर लिया, लेकिन फाइनली आपकी ज्वाइनिंग सरकार के दिशा निर्देश पे होगी। चुनावी माहौल था, वैकेंसी आनी थी लेकिन नहीं आई, फिर भी आप हताश नहीं होइए,
धैर्य बनाए रखे। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब ही है कि आपका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहेगा। मान लेते हैं कि आप सरकारी नौकरी भी पा जाएंगे तो आपके जरूरत के सारे खर्चे चलेंगे, लेकिन अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, सरकारी नौकरी पाने के बाद मैं अपनी सब कुछ बदल दूंगा, तो आप वहम में हैं। फिर भी जीविका चलाने के लिए आपको नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है, तो इसलिए ईमानदारी के साथ धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो कोई समस्या आपके साथ नहीं आएगी। देखिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 466-56 का घनमूल, 466-56 का घनमूल बताना है। अब देखिए, घनमूल निकालने के शॉर्टकट तरीका, अगर हम घनमूल की बात करेंगे तो लास्ट के 3 अंक हमेशा छोड़ देंगे, बचा क्या 46। ठीक, अब देखेंगे 46 46 ऐसी दो संख्याएं खोजेंगे जिनके बीच का हो। वो दो संख्याएं कौन सी होंगी, वो दोनों घन संख्याएं। अगर हम घन संख्याओं की बात करेंगे तो 46 के पहले किस संख्या का घन होता है, 27। 27 किसका घन है, 3 का। और 46 के बाद की बात करेंगे तो 64 होता है घन, वो किसका घन है, 4 का। ठीक है, समझ गए। अब दूसरी बात, अब ये 656 से हम क्या डिसाइड करेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे 6 है तो आप ये डिसाइड करिए कि इकाई का अंक क्या क्या होगा। अगर हम 6 की बात करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर 1 की घात 3 लिखा तो 1 आएगा, 2 की घात 3 लिखा तो लास्ट में 8 आएगा, अगर 3 की घात 3 है तो लास्ट में 7 आएगा, 4 की घात 3 है तो 4 आएगा, 5 की घात 3 है तो 5 आएगा, 6 की घात 3 है तो 6 आएगा, 7 की घात 3 है तो कितना आएगा, 343 तीन आएगा, 8 की घात 3 है तो 512। ठीक है, और 9 की घात 3 है तो 729, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 9। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, इकाई का अंक या तो यहाँ पे अगर 6 की बात करें हम लोग, ठीक है, अब तो आपको यहाँ पे पता है कि लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक, देखिए 6 सिर्फ आपका एक ही बार आ रहा है, 6 आपका कहाँ पे आ रहा है, अगर इकाई का अंक 6 होगा तभी लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब ये जिस भी संख्या का घनमूल है तो उसका लास्ट का अंक कितना होगा, 6। जिस भी संख्या का घनमूल है लास्ट में कितना होगा, 6। अब ये बताइए 3 आएगा कि 4 आएगा, तो हमेशा घन वाली संख्या में छोटी वाली संख्या, तो यहाँ पे 36। इसका मतलब ये किसका घनमूल है, 36 का घनमूल है। ठीक, हम आपसे कहें कि 9261 किसका घनमूल है, आप बताएं कमेंट बॉक्स में किसका घनमूल है। ठीक है ना, देखिए 9261 में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्याओं में इकाई का अंक पता करने के लिए, इकाई में 1 कब आता है, जब 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, अब बचा 9। 9 ऐसी किन दो संख्याओं के बीच में है जिनका घन होता है, तो आप कहेंगे 8 2 का घन होता है, या फिर 27, यहाँ पे 27 के बीच का है तो 3 का घन होता है। तो लास्ट में इकाई का अंक तो 1 आएगा और छोटी संख्या 2, और ये किसका घनमूल है, 21 का घनमूल है, 9261। तो घनमूल निकालने का ये सबसे आसान तरीका है और आसानी से आप घनमूल निकाल सकते। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, घनाभ की नाप दी गई है, घनाभ। अब देखिए घनाभ से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। घनाभ की बात आ रही तो घनाभ में सबसे पहले क्या होगा, आयतन। तो आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी। ठीक, फिर घनाभ का विकर्ण होगा। घनाभ एक ऐसा विकर्ण होता है जो उसकी अधिकतम लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए कोई घनाभ के आकार का बॉक्स है और आपसे पूछा जाए कि उस बॉक्स में रखी जाने वाली अधिकतम क्षण की लंबाई क्या होगी, तो अधिकतम क्षण की लंबाई हमेशा उसका विकर्ण होगी, और उसका विकर्ण क्या है, √L² + B² + H² ठीक है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 2 × LB + BH + HL, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं घनाभ में, तो ये आपको याद रखने हैं, इनको अपने सवालों में यूज करना। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं
एक कनाप की नाप 64 × 54 × 30 सब जगह सेंटीमीटर है। जब भी आप मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, सबसे पहले फाइनल आंसर निकालने से पहले ये जरूर चेक करेंगे क्या हमने सब जगह यूनिट सेम रखी है या नहीं। ठीक है, तो 64 × 54 × 30 सब जगह सेंटीमीटर है। ठीक, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन, ये घनाभ दिया गया था, ये घन। ठीक, अगर हम घन की बात करें तो घन की बात करेंगे तो सबसे पहला तो आयतन ही आएगा। तो घन का आयतन क्या होता, भुजा की घात 3। क्यों? क्योंकि यही तीनों भुजाएं घन के केस में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई हो जाती है, तो यही भुजा की घात 3। अगर घन के विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या हो जाएगा, अगर हम घन के विकर्ण की बात करेंगे तो यहीं पे 3 × भुजा² √3 × भुजा। देखिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, L² + L² + L² तो ये हो जाएगा 3L² तो क्या हो जाएगा √3 × भुजा। तो ये घन का विकर्ण आ गया। ठीक, घन के पृष्ठ की बात करें तो घन का पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6 × भुजा² 6 × भुजा² ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर, तो 3L² 3 × 6L². तो आप समझ के करेंगे सारी बातों को तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, घन का आयतन, घन का विकर्ण है ना, घन का प्रश्न, ये सब आप लोग याद कर लीजिए, इनकी रेगुलर अभ्यास करते रहिए। क्योंकि देखिए गणित एक ऐसा विषय है जो आपको आपके एग्जाम में से 20 में 20 नंबर दिला सकता है, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 100% स्कोर करते हैं तो नो डाउट उस एग्जाम में दूसरे सब्जेक्ट से अगर एक भी आपका ड्रॉ भी जाता है, पीछे भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेरिट नहीं कम होने देगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अपनी मैथ्स के साथ, वो सबसे आसान सब्जेक्ट है। जिन भी लोगों को समस्या लगती है, आप एक टारगेट बनाइए, मुझे 15 क्वेश्चन करने रोज के। आप देखिए मैं कहता हूँ कि 15 क्वेश्चन आप रोज करिए और 6 महीना कर लीजिए, नो डाउट आपकी मैथ्स में पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आइए, तो घनाभ में कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, छोटे घनों की संख्या या छोटे घनों की संख्या, तो इसका मतलब बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, दोनों की कैपेसिटी हम देख लेंगे, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। अब बड़ा क्या है, यहाँ पे घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। ठीक, और छोटा क्या है, घन है, और घन का आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3, तो 6 × 6 × 6। कैलकुलेशन में गलतियां नहीं करेंगे, ज्यादातर बच्चों की ये भी समस्या है कि सब कुछ आता है, कैलकुलेशन में लास्ट में गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी मैथ्स में अभ्यास, रोज आप सवाल लगाएं, बाकी कोई समस्या नहीं। काटो इसको, 6 × 5 = 30, 6 × 9 = 54, अब कटेगा 3 से काटो, 3 × 9 = 9, 3 × 2 = 6, 2 से काट लो, 32 × 64, तो कितना हो गया ये, 5 × 3 = 15, 32 × 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, और 3 कितना हो गया 48। तो छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई, 480। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे छोटे घन के अंदर या छोटे घनाभ के अंदर, तो जब भी संख्या पूछी जाएगी तो बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। अभी एक सवाल और मिलने वाला है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये भी, ये सवाल और ये सवाल लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। आइए हम लोग सबसे पहले उसी सवाल को, अच्छा मिटाते नहीं, ठीक है। इस सवाल में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंचाई की 23.3 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार के निर्माण में 25 × 11.5 × 6 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आप बताइए कि दीवार बनाना है तो दीवार किसके जैसी होगी, दीवार में लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी या ऊंचाई या मोटाई, दोनों बातें एक ही हैं, तो तीनों बातें इसका मतलब घन के जैसी हो गया। अगर हम दीवार बनाना है तो ईंट का इस्तेमाल करेंगे, तो ईंट किसके जैसे होगी, ईंट में लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी ऊंचाई भी होगी। अगर हमें ईंटों की संख्या निकालनी है तो आप बताइए क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि अगर कुछ भी आपको संख्या निकालनी है तो बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, मतलब दीवार बड़ी बनेगी तो दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन निकाल लेंगे तो हमें ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। तो उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्या कह रहे, नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा,
दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे किसका, ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। फिर से जब भी आप आयतन निकालने जाएंगे तो आपको यूनिट हमेशा ध्यान में रखनी है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में। इसका मतलब किसी एक को या तो मीटर में चेंज करेंगे या फिर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। लेकिन नीचे देखिए जो हमारे ईंट लिखी गई, ईंट की नाप सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो बेहतर यही है कि मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो अगर हम आयतन की बात करेंगे, लंबाई, ये 8 मीटर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 800 सेंटीमीटर। फिर 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर। फिर 23 बटे में क्या हो जाएगा, 25, गुणे में क्या हो गया, 11.5 और गुणे में 6। अब इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि ईंटों की संख्या क्या होगी। ठीक है भाई लोगों, आज इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले तो दशमलव को हटा लो, दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 1 जीरो बढ़ गया तो 5 से हम लोग काटते हैं, 5 से इसको काट दो, 25 3 75 कितना बचा, 5, तो 25 दूना 50। ठीक, और कुछ कटेगा, 6 से इसको काट दो, 6 दहम्मा ये 100 आ गया। ठीक, अब इसको 5 से हम लोग काट, अच्छा 115 दूनी 230 तो कितना हो गया, 32 दूना 6400। इसका मतलब ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6400। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछा जाता ही रहता है कि ईंटों की संख्या निकालिए। तो ईंटों की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, किसी की भी संख्या आपको निकालनी हो तो बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उसका नेक्स्ट वीडियो में, या अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है अभी रिसेंटली वो भी आप बताएं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरी और श्याम की आयु का अनुपात 5:7। ये हरी है और ये श्याम है, हरी और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अगर क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होगा, 3:4 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को चाहे आप शॉर्टकट तरीके से लगाओ या बेसिक तरीका, मैं आपके साथ शॉर्टकट शेयर करता हूँ कैसे करना है। देखिए 5 और 3 में 2 का अंतर, 7 और 4 में 3 का अंतर। अगर ये अंतर बराबर होता, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, अगर ये अंतर बराबर होता तो यही 2 का अंतर किसके बराबर हो जाता। मान लेती है 3 आया, ये भी अगर 2 आया होता तो 2 किसके बराबर हो जाता, 4, 1 किसके बराबर हो जाता, 2। पूछा क्या जा रहा है, हरी की आयु, तो हरी की आयु 5 है तो 5 किसके बराबर हो जाता, 5 गुणे 2 10 आ जाता आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 में 2 का अंतर है, 7 और 4 में 3 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे, अंतर बराबर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 5 और 7 में 2 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 7 में 2 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 1 वाले को 2 से गुणा करेंगे और 2 वाले को 1 से गुणा, 1 वाले को 2 से गुणा और 2 वाले को 1 से। अब 1 से गुणा किसमें करेंगे, इनके रेशियो में, तो 1 से गुणा करोगे 5 और 7 ही रहेगा, 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 8, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। तो अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब सवाल हमारा ये हो गया, हरी की अनुपात और श्याम की, तो 5 और 6 में 1 का अंतर, 7 और 1 में 1 का अंतर, यही 1 का अंतर सवाल में किस कितने वर्ष के बराबर है, 4 वर्ष बाद यही 1 का अंतर 4 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा हरी की आयु क्या होगी, हरी की आयु 5 है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 चौको 20, तो हरी की वर्तमान आयु क्या होगी, 20 वर्ष। समझ गए, ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज भी एक बड़ा टॉपिक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे पहला तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज आ जाएगा, फिर समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, फिर समकोण त्रिभुज आ जाएगा, फिर समद्विबाहु